सागर जिला की बीना तहसील में सरस्वती शिशु मंदिर के सामने खिमलाथा रोड पर 8 मई से संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार द्वारा प्रतिदिन श्री राम कथा सुनाई जाएगी। यह कथा 8 मई से 16 मई तक 9 दिन चलेगी। वहीं प्रतिदिन दिन एवं रात्रि में भंडारे में श्रद्धालु भोजन प्रसाद ले सकेंगे। 10 मई एवं 11 मई को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा, जिसमें श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। श्रद्धालुओं को बैठने के लिए विशाल पंडाल बनाया गया है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। 9 दिवसीय चलने वाली श्री राम कथा एवं 2 दिन लगने वाले 10 एवं 11 मई को दिव्य दरबार को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह है। इसके अलावा बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आयोजक मंडल लगातार प्रयास कर रहा है। पूरी हो जाएगी लगभग लगभग, और अपने यहाँ 2.5 से 3-4 लाख पब्लिक की बैठने की व्यवस्था है। अगर पब्लिक बढ़ती है तो अपन बाजू में भी टेंट बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, तो पीछे और भी बढ़ा सकते हैं अपन। और अपने भंडारे की व्यवस्था भी यहाँ रखी गई है बाजू में अपनी कथा पंडाल की, वहाँ भी डूम लगना है बैठने के लिए, लोगों को बैठा बैठने भोजन की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पे लगभग लगभग समिति के 2.5 से 3 हज़ार लोग लगे हैं व्यवस्थाओं में, और पुलिस जवान 250 से 300 लोग जवान लगे हैं। सारी व्यवस्थाएं लगभग लगभग तय हो चुकी हैं। इधर पर कार्यालय भी बनेगी, जिसमें लोगों की कोई भी समस्या, चोरी हो जाता है कोई भी सामान, तो उसकी कार्यालय सब व्यवस्थाएं तय हो चुकी हैं। लगभग कथा की तैयारियाँ लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं। पंडाल आप लोग देख रहे हैं, पंडाल आज शाम तक लगभग पूरा हो जाएगा। कथा 8 तारीख से 16 तारीख तक तय है, और कथा में कलश यात्रा सुबह 8 तारीख को कटरा मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल तक आएगी, और इसमें जो है 200 एकड़ में कथा प्रांगण है, और 100 एकड़ में वाहन की पार्किंग व्यवस्था तय है। यहाँ पे कथा स्थल तक श्रद्धालुओं के और भक्तों के आने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पे, चूँकि आपको पता होगा कि बीना सेंट्रल पॉइंट है अपने यहाँ, तो ट्रेन के भी पर्याप्त साधन है यहाँ आने के लिए, बसें भी हैं, और अपने जैसे मान लीजिए बीना स्थल तक आ गए हैं जो ट्रेनों से आ रहे हैं, तो पर्याप्त हमारी वहाँ पे वॉलंटियर भी हैं, और निश्चित किराया निश्चित किया गया है वहाँ से 20 रुपये का कथा स्थल तक आने के लिए, और बस स्टैंड से 10 रुपये किया गया है कथा स्थल तक आने के लिए, मालखेड़ी स्टेशन से 20 रुपये किराया तय किया गया है। ये हो गई किराया व्यवस्था आपके शहर की, और जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं जैसे ट्रेन माध्यम से आते हैं, तो वो अपने साधन भी कुछ लगाए गए हैं समिति की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, और ऑटो वगैरह भी सारी हैं हमारे पास में, जिनके यहाँ तक कथा स्थल तक पहुँचने की जो पूरी व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक की व्यवस्था के हिसाब से तैयारी की गई है, और जो श्रद्धालु आए हैं शहर में आए हैं उनके लिए रुकने के लिए होटलों में भी अपने अपने इंतजाम हैं, तो होटल यूनियन को भी अपन लोगों ने एक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका बताया था, तो वो भी नॉमिनल रेट होटल में भोजन पानी जलपान के भी एक नियत रेट रखे गए हैं, कि जो एक नॉर्मल मूल्य होते हैं उससे अधिक जो ना ले सकें लोग, ऑटो वाले भी एक अनावश्यक किसी के साथ दुर्व्यवहार ना कर सकें किराए संबंधी लेके या कोई भी, तो ये सारी व्यवस्थाएं एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ संस्था की तरफ से भी की जा रही हैं, और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं पंडाल सब व्यवस्थित हो चुका है, भंडारे की व्यवस्था भी व्यवस्थित हो गई है, और श्रद्धालुओं के लगभग यहाँ पे 8 तारीख के पहले से ही आने का तांता शुरू हो जाएगा, और लगभग अपन ये मान के चल रहे पहले दिन से ही 1-2 लाख से अधिक संख्या आने की उम्मीद है यहाँ पे श्रद्धालुओं की, और व्यवस्थाएं सब पुख्ता हो चुकी हैं, सिर्फ उनका इंतजार है, उनका स्वागत है, उनका वंदन है श्रद्धालुओं।